इक्विनिलिटी ऑफ द वाटर कूल फ्रॉम द 17 डिग्री सेंटीग्रेड टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड इन फर्स्ट 5 मिनट्स ओके एंड 54 इन द नेक्स्ट 5 मिनट तो देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज अपने को टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है ओके सॉल्व करते हैं ओके लेट टी एस बी द टेम्परेचर बी द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग ओके अकॉर्डिंग टू स्टीफन न्यूटन्स लॉ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कूलिंग लॉ न्यूटन्स कूलिंग कूलिंग न्यूटन्स कूलिंग्स लॉ ओके टी वन माइनस टी टू अपॉन टी इक्वल के इंटू टी वन प्लस टी टू बाई टू माइनस टी एस ओके फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड फॉर फर्स्ट 5 मिनट्स फॉर फर्स्ट 5 मिनट्स टू टी वन इक्वल टी टू ऑल द वैल्यू पुट तो 17 माइनस 16 अपॉन 5 ओके टू के 17 प्लस 16 बाई 2 माइनस टी एस ओके तो 10 बाई 2 10 बाई 5 इंटू के अपॉन 65 माइनस टी एस ओके फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स ओके तो 60 माइनस 54 अपॉन 5 इक्वल के 60 प्लस 54 बाई 2 माइनस टी एस ओके तो 6 अपॉन 5 इक्वल के इंटू 57 माइनस टी एस इट्स द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड द इक्वेशन फर्स्ट द डिवाइड द इक्वेशन Divide the equation first by equation second. Okay. So 10 upon 5 divide 6 by 5 equal k 65 minus ts upon k into 57 minus ts. Okay. 5 cancel out. So ye ho gaya. 10 by 6. K से K भी कैंसिल आउट 65 माइनस टी एस अपॉन 57 माइनस टी एस ओके ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करने पे 285 माइनस 5 टी एस इक्वल 195 माइनस 3 टी एस यहाँ से 2 टी एस इक्वल 90 और टी एस इक्वल आ जाएगा 45 डिग्री सेंटीग्रेड तो अपना टी एस द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 45 आ जाएगा कि मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा.